खबर रायपुर से, जहां बीजेपी की महिला राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है। छत्तीसगढ़ की सूची में एक भी महिला का नाम शामिल नहीं है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में प्रदेश की महिला नेत्रियों का नाम शामिल नहीं और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये सूची जारी की है। महिला राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सूची में एक भी महिला का नाम शामिल नहीं है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी, बीजेपी की महिला राष्ट्र पदाधिकारियों की सूची जारी की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सूची में एक भी महिला का नाम नहीं? बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी झटका है कि कोई भी महिला पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल नहीं की गई है बीजेपी की। इससे पहले कोई ना कोई शामिल होता रहा है, चाहे सरोज पांडे की बात कर ले, बड़े पद पर महिला मोर्चा की सुशोभित होते रहे, लेकिन इस बार जो सूची जारी हुई है इसमें छत्तीसगढ़ की किसी भी महिला नेता को जगह नहीं मिली है। और इसके कई सारे तर्क भाजपा नेता दे रहे हैं, लेकिन जहां सा यहां पर ये जो लिस्ट देखने पे नजरिया सामने आ रहा है कि फिलहाल या तो इस कद का या कोई ऐसा नेता उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को समझ नहीं आ रहा है जिसको छत्तीसगढ़ से इसमें शामिल किया जा सके। छत्तीसगढ़ को लेकर पहले ही इस वक्त दिक्कतों में है भाजपा। जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस है, वो लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। उसे एक बार फिर से यहाँ पर मौका मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के किसी महिला नेत्री को इसमें जगह नहीं दी गई, बीजेपी के लिए असहज करने वाली स्थिति है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए। अभिषेक जी, लेकिन इसे कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को तो मौका मिल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सूची में एक भी महिला का नाम शामिल ना होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अंदरूनी तौर पर भी गलत साबित हो सकता है, या इस पर अंदर खाने ही कई सवाल खड़े हो सकते हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा होगा बीजेपी के कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है। सरोज पांडे हैं, सरोज पांडे पहले ही राज्यसभा में जा चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां इस वक्त है, इसलिए हो सकता है कि इस बार किसी को मौका न दिया गया हो। हालांकि कई ऐसी नेता थी जो महिला नेत्री जिनको शामिल किया जा सकता था, चाहे लता उसेंडी की बात कर लें या और किसी की बात कर लें, लेकिन किसी भी महिला नेत्री को पदाधिकारी के रूप में शामिल न करना यह भी बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का महिला विंग बहुत कमजोर है। महिलाओं का जो मोर्चा है, महिला चेहरा जो है, वो भाजपा के पास नहीं है। बिल्कुल, और इस पर शायद ध्यान देने की भी अब जरूरत आन पड़ी है। फिलहाल शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, बीजेपी की महिला राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सूची में एक भी महिला का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह सूची जारी की, लेकिन छत्तीसगढ़ से किसी भी महिला का नाम इसमें शामिल नहीं है, और कांग्रेस को अब इस पर बात करने का मौका मिल गया है, बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है।